So the problem is we have to find out the limit of the given function, which is 10 cube x minus 10 x divided by cos of x plus pi by 4 at the limit when x is approaching to pi by 4. So you can check it here ki sabse pehle main question ka data ek bar note kar leta hu. The question is limit x is approaching to pi by 4, x is approaching to pi by 4, and the function is 10 cube x minus 10x, 10 cube x minus 10x divided by cos of x plus pi by 4 k. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं x की प्लेस पे पाई बाई फोर रिप्लेस करता हूँ, सपोज मैंने x को हटा के पाई बाई फोर डाल दिया, तो न्यूमरेटर में यू विल गेट जीरो, न्यूमरेटर में आपको जीरो मिलेगा क्योंकि 10 पाई बाई फोर वन होता है, वन का क्यूब अगेन यू विल गेट वन, तो वन माइनस वन जीरो, और नीचे cos पाई बाई टू है, इट इज अगेन जीरो, सो द फॉर्मेट इज जीरो बाई जीरो. तो अब हमें इसे फर्दर मैनिपुलेट करना होगा, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इसे मैनिपुलेट करेंगे. So now the question will become when x is tending to pi by 4, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ न्यूमरेटर से मैंने 10x को कॉमन कर लिया है, तो 10x कॉमन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये टर्म रह जाएगा 10 square x minus 1 और divided by cos of x plus pi by 4 के, ठीक है. अब देखिए आगे अगर इसे फर्दर हमें सॉल्व करना है तो हम लोग कर क्या रहे हैं कि ये टर्म है लिमिट x tending to pi by 4, this is limit x tending to pi by 4, ये टर्म हमारे पास 10x है, और यहाँ पे हम लोग इसे लिख सकते हैं sin square x minus cos square x divided by cos of square x, cos square x divided by cos of x plus pi by 4 के. तो what actually I have done, ये जो 10 square x है, मैंने इसको पहले sin square x upon cos square x लिखा है, cos square x यहाँ पे एलसीएम ले लिया है, तो न्यूमरेटर में वी विल गेट साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के. अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे द क्वेश्चन इज लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू पाई बाई फोर, एक्स इज अप्रोचिंग टू पाई बाई फोर, दिस इज टेन एक्स, और इसको हम लोग स्प्लिट कर रहे हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के, ठीक है. और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको कॉस स्क्वायर एक्स भी नजर आ रहा होगा, तो ये cos square x मैंने डिनोमिनेटर में यूज कर लिया, और ये जो cos of x plus pi by 4 है, यहाँ पे हम लोग यूज करने जा रहे हैं द फॉर्मूला ऑफ cos of a plus b. तो cos of a plus b की अगर मैं बात करूं, तो cos of a plus b हमारे पास होता है cos a cos b minus sin a into sin of b के. तो अगर मैं ये फॉर्मूले को फर्दर अप्लाई करूं तो ये बन जाता है cos x cos pi by 4, cos x cos pi by 4 माइनस साइन एक्स इंटू साइन ऑफ पाई बाई फोर के, ठीक है. अब वैसे हम लोग यहाँ पे भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, लेकिन चलिए मैं एक लाइन और आगे ले जाता हूँ इसे. सो नाउ दिस विल बिकम लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टू पाई बाई फोर, एक्स इज अप्रोचिंग टू पाई बाई फोर, द टर्म इज टेन एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, हम इसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, पर ठीक है अगले स्टेप में कर लेंगे. साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, दिस इज साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, this is sin x plus cos x, this is sin x plus cos x, और डिनोमिनेटर में आप एक चीज नोटिस करिए कि ये जो cos pi by 4 है और जो sin pi by 4 है, यहां से मैंने 1 by root 2 को सेपरेट कर लिया, तो इन ब्रैकेट आई विल गेट cos x minus sin of x के, और ये टर्म से ये टर्म आप कैंसिल कर सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा माइनस आपका जनरेट हो जाता है. तो जो डाटा लेफ्ट आउट होगा उस पर अगर हम लोग फोकस करें, नाउ द क्वेश्चन इज limit x is approaching to pi by 4, x is approaching to pi by 4, now it is minus 10x divided by cos square x, or in bracket this is sin x plus cos of x k, और एक ही आपको 1 by root 2 भी नजर आ रहा होगा, तो इसको हम लोग रिवर्स करके न्यूमरेटर में शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो इंटू रूट टू में जनरेट हो जाएगा. अब इसमें x की जगह पाई बाई फोर सबमिट करना शुरू करते हैं. तो अगर मैं x की जगह पाई बाई फोर लिमिट यूज करता हूं, तो देखिए न्यूमरेटर ये माइनस वन होगा, यहां पे हम लोग इसे 1 बाई टू लिख सकते हैं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो दिस इज 1 बाई रूट टू प्लस 1 बाई रूट टू इसे लिख सकते हैं, और ये टर्म मेरे पास रूट टू हो जाता है, ठीक है. अब ये बनता है रूट टू, और इसको फर्दर आप फाइनल जब आप मैनिपुलेट करेंगे, सो द रिजल्ट यू विल गेट माइनस फोर. सो दिस इज द लिमिट ऑफ द गिवन फंक्शन. आई होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.